देखिए, हम लोग समझेंगे किसी भी सेंटेंस में यस, नो, मैडम या सर, या फिर आपका जैसे कि सॉरी है या फिर डियर है, तो इन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या फिर इन वर्ड्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। क्या ये वर्ड्स खुद उस सेंटेंस में वहीं पर आएंगे या अपनी जगह ये कुछ सेंस देने वाले वही वर्ड लाएंगे जो उनको सेंस सेम देते हैं वैसा ही, और उनको कहाँ पर रखेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं? हाँ आते हैं। अगर आप अलग अलग एग्जामिनेशन के पेपर्स देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो हम लोग ये समझेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है और इनका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। चलिए सेंटेंस को समझते हैं और देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। सेंटेंस अपने संजय सेज टुमारो नेवर कम्स। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे, अगर आप ये पार्ट वाइज वीडियो देख रहे हो, तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि टुमारो का द फॉलोइंग डे होता है। अगर आप ये कंबाइंड वीडियो देख रहे हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि टुमारो का द फॉलोइंग डे होता है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, यहाँ पर एक लॉजिक मिलेगा आपको। अगर मैं सेंटेंस को बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे बनेगा, संजय सेज कॉमा टू कॉमा दैट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे द नेक्स्ट डे कर दो या फिर द फॉलोइंग डे कर दो, लेकिन मैं कहूँगा इस सेंटेंस में द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न ये है कि आप टुमारो पर ना देखकर या पूरे सेंटेंस को देखो, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। तो ये सेंटेंस जो है अपने एक प्रोवर्ब है, जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो जिस टेंस में जैसी लिखी होती हैं वो एज इट इज़ वैसी ही लिखी जाती हैं। तो इस सेंटेंस में टुमारो चेंज नहीं होगा, ना कम्स चेंज होगा, ना कुछ भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जैसा सेंटेंस रखा हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, तो अपना हो जाएगा टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, ये सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा। तो एग्जाम में आपको ये ऑप्शन में भी देखना है कि आपको टुमारो का द फॉलोइंग डे तो निकल दिया किसी ऑप्शन में, तो वो सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग होंगे। फिर आगे चलते हैं, महेश सेड टू मी सर आई हैव ए डाउट। जब किसी भी सेंटेंस में हमें सर या मैडम लिखा मिले, क्या लिखा मिले, सर या मैडम या फिर मैम लिखा मिले, तो हम उस सेंटेंस में क्या करेंगे। उसका रूल ये है कि हम उस सेंटेंस में सेड या सेड टू, जो भी आपका वर्ड है, उसके बाद हम एक शब्द यूज करेंगे रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली, और अंदर का जो सर और मैडम वो शब्द चला जाएगा, फिर बाकी रूल सेम वही रहेंगे। अब कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं बताऊंगा अभी क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए पहले इसको बना लो, महेश सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी दैट। अब यहां पे छोटी सी प्रॉब्लम हुई कि हमने यहां पर रेस्पेक्टफुली लगाना है, महेश टोल्ड मी रेस्पेक्टफुली, या फिर विद रेस्पेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहां पर विद रेस्पेक्ट भी कर सकते हो, एक ऑप्शन ये भी अपने पास है। क्योंकि हमने सीखा था कि एडवर्ब से एडवर्ब फ्रेज बनाने का तरीका, उसमें हम लोग प्रपोशन का यूज किया था, वो वीडियो हमने देख लिया होगा या फिर देख लेना। तो महेश टोल्ड मी विद रेस्पेक्ट, चाहो तो यहां पर ये भी कर सकते हो विद रेस्पेक्ट। अब विद रेस्पेक्ट जो सर के लिए आया, तो सर यहां से शब्द हट जाएगा, कॉमेट कॉमा के लिए आएगा दैट। अब आई को चेंज करें महेश से, तो यहां पर हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड ए डाउट, तो इसका ऐसे बनेगा। तो ये इस रूल को अपने नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ लोगों के मन में है सर यहां पे सर की जगह मैडम होगा तो क्या करेंगे, चाहे सर हो या मैडम हो दोनों हम वही करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन अभी भी यही होगा कि सर हम इनडायरेक्ट को देख कर ये कैसे पता करें कि ऊपर वाले सेंटेंस में सर था कि मैडम था। देखिए चाहे सर हो या मैडम होते तो वो टीचर ही है, तो दोनों के लिए आप विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली वर्ड का ही यूज करेंगे, क्लियर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ऊपर सर है कि मैडम है, वो हमें ऑप्शन से पता चल जाएगा। नहीं ऑप्शन है तो अपने पास दोनों शब्द हैं, चाहे सर का यूज कर लो या मैडम को यूज कर लो, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। फिर अगला देखते हैं, सिमरन सेड यस आई हैव फिल्ड द फॉर्म। जब किसी सेंटेंस में हमें यस लिखा मिले या फिर नो लिखा मिले, तो हम यहां पर
यस के लिए अपने सेंटेंस में, जैसे वहां पे विद रेस्पेक्ट फुली किया था ना, वैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली यस के लिए, और नो के लिए नेगेटिवली, नेगेटिवली। इन दो वर्ड्स का यूज करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पर आखिर में करना क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर सिमरन का हो जाएगा। सिमरन, सिमरन सेड पॉजिटिवली, क्योंकि यस यहाँ पे पॉजिटिवली का मतलब हाँ बोल करके, तो पॉजिटिवली दैट। अब जैसे यहाँ पे विद रेस्पेक्ट की वजह से यस सर चला गया था, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिवली का यूज करने के बाद यस वर्ड हमारा हट जाएगा। आई को चेंज करेंगे सिमरन से, सिमरन एक लड़की, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, हेड की जगह हो जाएगा हेड, फिल्ड द फॉर्म। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, महेश सेड डियर सन श्योरली यू विल गेट गुड मार्क्स। अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जगह कम है यहाँ पर, आप लोग नोट कर लेना। जब हमें डियर लिखा मिले तो हम क्या करेंगे, तब हम सेंटेंस में सैड या सैड टू, जो भी आपका वर्ड, उन सब के बाद हम यूज करेंगे अफेक्शनेटली। अफेक्शन लिखो पहले, फिर TELY का यूज करेंगे, यानी स्नेह पूर्वक। देखिए यहाँ पे डियर का मतलब यहाँ पे स्नेह ही तो कर रहे हैं, प्रेम से ही तो बोल रहे हैं ना, तो प्रेम पूर्वक बोलना यहाँ पर हो जाएगा आपका, प्रेम पूर्वक बोलना, स्नेहमय तरीके से बात करना। तो मदर सैड अफेक्शनेटली, अफेक्शन और फिर नेटली भूलो ना, तो पहले अफेक्शन कर लो फिर एटली याद कर लो, तो दोनों को मिला के हम लोग याद कर सकते हैं। फिर अफेक्शनेटली के बाद हो जाएगा दैट। अब यहां पर छूट गया है सन, अब सन का क्या करेंगे, देखिए सन का यूज हमें कैसे करना है, क्योंकि ये अगर हम ध्यान दें तो हमने भी देखा था कि जब कॉमा करके कोई शब्द जोड़ा होता है तो वो बाहर ही माना जाता है, तो यहां पर सेड टू की जगह हम लोग मान लेंगे टोल्ड, टोल्ड हर सन, क्योंकि मदर तो यहां पर हर हो जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मदर टोल्ड हर सन या फिर द सन अफेक्शनेटली, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, इसकी ये वर्ब है। अब ये वर्ड जो है वो रियल में मदर जो है वो सन को एड्रेस कर रही हैं, जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वहां पे अंदर जो शब्द रखा था पूजा, उसको हमने बाहर माना था, ऐसे ही यहाँ पे सन जो है वो भी बाहर ही माना जाएगा। अब यहाँ पे कॉमा एट कॉमा जगह पर आ जाएगा दैट, फिर श्योरली का श्योरली रहेगा क्योंकि वो एक एडवर्ब है। यू को चेंज करें सन से, तो सन एक लड़का, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, विल की जगह हो जाएगा वुड, गेट गुड मार्क्स, गेट यहाँ पर गेट है गुड मार्क्स, तो ये इस तरह से बनेगा। अब अगला अगर देखें यहां पर, तो यहां पर आ गया नो। अभी नो के लिए मैं सीखा था कि यहां पे यूज करते हैं नेगेटिवली, तो ही सैड नेगेटिवली, ही सैड नेगेटिवली, उसने मना करके क्या कहा नेगेटिवली दैट। अब यू को चेंज के बाहर से तो कोई है नहीं, या तो ही मानो या फिर आई मानो या फिर सी मान सकते हो या फिर दे मान सकते, जो भी आपको मानना है, फिलहाल हम यहां पर आई मान ले रहे हैं। आई कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, आई कुड नॉट कम राइट, और नाउ का हो जाएगा देन। फिर अगला देखते हैं, द शॉपकीपर सेड, द शॉपकीपर सेड सॉरी द बुक इज नॉट अवेलेबल। अब देखिए यहां पे शॉपकीपर ने कहा कि क्षमा कीजिए, किताब अभी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप ध्यान दो यहाँ पे सॉरी वर्ड जो है एक तरीके से वो माफी मांग रहा है। जब माफी मांगेगा तो माफी के लिए क्या यूज करेंगे, जब सॉरी वर्ड आएगा, अब सॉरी के लिए माफी मांग रहा है तो क्या यूज करोगे बताइए। गुड, अब यहां पर देखिए एक वर्ड निकल के आया अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड यानी कि माफी मांगी उसने,
तो यहां पे करना क्या है कि अब इसको कैसे बनाना वो समझिए। द शॉपकीपर अपोलोजाइज्ड, माफी मांगी, एंड सेड दैट, और कहा कि, एंड सेड दैट। अब यहां पर सेड और अपोलोजाइज क्यों आगे पीछे रखा है? देखो, पहले तो उसने माफी मांगी, फिर उसने बोला, जैसे मैं किसी शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा सर ये वाली बुक दे दो, उसने कहा माफ करो, तो पहले तो उसने माफी मांगी फिर उसने बात बताई। तो पहले तो उसने माफी मांगी फिर उसने बात बोली है। अब दो वर्ब को जोड़ने के लिए मुझे कंजंक्शन बीच में लेना पड़ा है, इतनी छोटी सी बात थी। यहां पर कॉमा टू कॉमा जगह पे आ गया, दैट मेरा सॉरी चला गया। यहां पर द बुक इज का हो जाएगा वॉज नॉट अवेलेबल, ठीक है, पूरा लिख लेना आप लोग, जगह की वजह में छोड़ दिया है। तो द बुक वॉज नॉट अवेलेबल। अब यहां पे ये याद रखना है कि किस सेंस में कौन सा वर्ड यूज करना है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, नो वन सेज हिज मदर इज क्रूअल। तो नो वन सेज का हो जाएगा नो वन सेज दैट। हिज थर्ड पर्सन का वर्ड इसलिए चेंज नहीं होगा, मदर का रहेगा मदर, और इज का हो जाएगा वॉज क्रूअल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बिल्कुल इजी था। फिर अगला देखते हैं, मैडम यू शुड टीच इट अगेन, मिस रीता सेड राम। अब ये प्रीवियस वाली लेक्चर और इस वाली लेक्चर का मिक्सअप है। मिक्सअप कैसा है कि मैडम यानी कि उस लड़के ने, राम ने बोला, मिस रीता, क्लास में एक मैम है जिनका नाम मिस रीता है, यानी कि रीता उनका नाम है। तो राम ने कहा कि मैडम जी कि यू शुड टीच इट अगेन, कि एक बार आप इसको दोबारा पढ़ा दो। तो यहाँ पे ध्यान दो कि मिस रीता वर्ड जो है, इस वर्ड, ये एक इंसान है, उसको कॉमा से जोड़ा गया अपोजिट केस में, सॉरी वोकेटिव केस में। तो वोकेटिव केस वाले वर्ड माना जाता है बाहर। अब किसने किससे कहा? मिस रीता ने राम से नहीं कहा, राम ने मिस रीता से कहा। इसका मतलब राम सेड टू मिस रीता, यही तो हुआ, कर लो। राम सेड टू को हो जाएगा हमारा यहां पर टोल्ड मिस रीता। अब यहां पे मैडम के लिए यूज करेंगे वेरी गुड, रेस्पेक्टफुली या फिर विद रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुली कॉमा टू कॉमा जगह पे आ जाएगा दैट। अब उसने कहा कि यू शुड टीच इट अगेन, तो राम को टीच नहीं करना है, यू को मतलब मिस रीता को करना, रीता का मतलब फीमेल, फीमेल का मतलब यू की जगह जाएगा सी। अब शुड का रहेगा शुड, क्योंकि ये शुड चेंज नहीं होता है, शुड टीच इट अगेन, टीच इट अगेन। मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट देखे होंगे जहां पे आपको ये समझ में आया होगा कि कोई पार्टिकुलर वर्ड के लिए, कोई एक फीलिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, और जो मैंने वर्ड वो देखा था डायरेक्ट स्पीच में उसको रिमूव करना है, और उसकी जगह कोई हमें ऐसा वर्ड उठा के रखना है जो वहां पे सेंस दे। अब यहां पे हमने उस वर्ड को रिमूव क्यों किया, उसका रीजन ये है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम वर्ड्स को चेंज करते हैं। नाउन चेंज नहीं होता है, कुछ चीज चेंज नहीं होती, तो उसके रूल आपको मालूम है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको वहां पे उन वर्ड्स का सिनोनिम यूज करना पड़ेगा जो कि जरूरी है। अब सॉरी की जगह हम लोग पार्डन भी तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी क्या है कि ऑप्शन जो एग्जाम ज्यादातर मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चीजें सीखनी है, वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है।